हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे यारो। और भाई लोग कैसे हो, सब बढ़िया? सो दोस्तों, आज Xiaomi ने लॉन्च कर दिया है उसका Redmi 7A। जो 7A Redmi 7A देखने को मिला है, उसका जो प्राइस सेगमेंट रखा गया बहुत ही बढ़िया रखा गया है, क्योंकि 2+16GB जो उसका जो प्राइस है, उसका प्राइस है 5800 ओनली, 5800। एंड अनदर जो उसका जो दूसरा वेरियंट है 2GB+32GB, वो 6000, बस 200 रुपीज का डिफरेंस है 16GB और 32GB में। बस एक चीज मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे, बस अभी आपका ओपिनियन क्या है आप मुझे कमेंट कर देना। एक चीज मुझे बहुत बुरा लगा कि इसमें हमें Redmi 7A में आयर ब्लास्टर देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आयर ब्लास्टर नहीं दिया गया है, क्योंकि Redmi का जितना भी सीरीज है सभी में वो आयर ब्लास्टर देता ही था, एंड वही वो आयर ब्लास्टर Redmi को सबसे यूनिक बनाता था स्मार्टफोन को। एंड आज लाइक जो हमारा पोको वेरिएंट था वो अलग ही था, चलो वो पोको वेरिएंट था इसलिए नहीं दिया, बट ये Redmi का जो वेरिएंट था वो सब उसका स्मार्टफोन में आयर ब्लास्टर दिया है, बट ये Redmi 7A में आयर ब्लास्टर नहीं दिया। आपका ओपिनियन क्या है, आपको क्या ये बुरा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना। एंड दोस्तों, आज बात करते हैं हम Realme X के बारे में। कंपनी ने अनवील कर दिया है, जुलाई 15 को यह स्मार्टफोन आने वाला है। जो यह स्मार्टफोन बहुत ही तबाही मचाने वाला है, क्योंकि अगर हम इसका डिस्प्ले साइज के बारे में बात करते हैं, इसमें हमें 6.54 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाता है, विद फुल HD प्लस रेजोल्यूशन, 1080 पिक्सल्स रेजोल्यूशन के साथ। जो नेक्स्ट है उसका प्रोसेसर पार्ट, तो यहाँ पर हमें मिलता है स्नैपड्रैगन का 710, बहुत ही फास्ट प्रोसेसर डाले हैं 710 स्नैपड्रैगन का। एंड ये फोन रन होने वाला है एंड्रॉइड पाए पर। एंड जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है वो है कलर OS 6 दिया गया है, बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। एंड इसमें जो GPU लगा है वो 616 एड्रिनो का GPU लगा हुआ है फोन में। एंड फोन में हमें कार्ड स्लॉट नहीं मिलता है, हम सिर्फ 2 SIM कार्ड यूज कर सकते हैं आज, बट लाइक हमें जो MIA2 में जैसे मिला था उसी तरह हम दिस 2 SIM कार्ड यूज कर सकते हैं, हम मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते हैं। फोन 3 वेरिएंट में आता है, एक है 4+64, 6+64 एंड 8+128GB। फोन 3 वेरिएंट रखा गया है। जो 4+64GB उसका, अगर मैं मेरा जो गेस कर रहा हूँ, मैं इसका जो प्राइसिंग रेंज मे बी अराउंड 17,000 to 18,000 या उससे भी कम होने वाला है, मुझे तो लग रहा है 17,000, उससे ज्यादा नहीं रहने वाला है शायद Realme X का प्राइस। वो बाद में देखते हैं, 15 जुलाई को अनवील कर देगा उसका प्राइस क्या है। उसका जो नेक्स्ट कैमरा की तरफ बात कर देते हैं, यहाँ पर हमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, डुअल कैमरा दिया गया है रियर में, 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल, जैसे हमारा Redmi Note 7 Pro में दिया हुआ है 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल, उसी तरह इसमें भी रियर में 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है। एंड फ्रंट में हमें पॉपअप कैमरा देखने को मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का, इसमें हम फुल HD प्लस में हम वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, 1080 पिक्सल्स एट 30 FPS पर हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड जो हमारा रियर कैमरा मिलता है, रियर कैमरा से भी हम 2160 एट 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 1080 पिक्सल्स एट 30 FPS पर एंड 120 FPS पर हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं विथ रियर कैमरा, एंड स्लो मोशन वीडियो भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें। बहुत ही बढ़िया जो फ्रंट कैमरा मिला, जो पॉपअप कैमरा जो अभी ट्रेंड है पॉपअप कैमरा का, पॉपअप कैमरा हमें मिलता है 16 मेगापिक्सल। यहाँ पर हमें लाउड स्पीकर भी मिल जाता है। एंड जो और अनदर बात है वो है उसका 3.5mm हेड जैक, 3.5mm हेड जैक भी इसमें दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आजकल तो कुछ स्मार्टफोन रिटेन कर दे रहे हैं 3.5mm हेड जैक, उसके जगह पर टाइप सी टू 3.5mm दे रहे हैं, ये रिटेन नहीं किया है, हमें यहाँ पर 3.5mm हेड जैक मिल जाता है। इसमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। एंड हमें जो यहाँ पर बैटरी मिलता है वो है 3765mAh का बैटरी हमें देखने को मिलता है। एंड इसका फास्ट चार्जिंग जो ऑप्शन दिया गया है वो 20 वाट का
फास्ट चार्जिंग ऑप्शन दिया गया है। सो फोन बहुत ही बढ़िया। एंड जो इसका जो नया अभी जो एडिशन निकला है वो है स्पाइडरमैन एडिशन, जो रेड कलर का एडिशन है वो भी बहुत ही बढ़िया एंड लुक ग्लॉसी बहुत है। फोन बहुत ही बढ़िया लग रहा है। वो जो रेड कलर का स्पेशल एडिशन है एंड वो जो स्पेशल एडिशन स्पाइडरमैन का जो स्पेशल एडिशन वो भी हमारा इंडिया में लॉन्च होगा, ये कंपनी ने अनवील कर दिया है। सो आपका डिसीजन क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो मेरे यारो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो मेरे यारो। कल मैं मिलता हूँ आपको विद अनदर न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय मेरे यारों।